Namaste, how are you all? Here I am Manisha and welcome back to my channel Makeup with Manisha. Then today I am going to share with you a product review. This is Stay Cool की translucent powder product. तो मैं आज आपको इसके बारे में सारी डिटेल बताने वाली हूँ. ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है purple.com से. आप चाहे तो अभी शॉपिंग कर सकते हैं, अभी मंगवा सकते हैं. तो ये इस तरह के कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में आता है. मैंने इसे पिछले साल मंगवाया था और तब से मैं यूज़ कर रही हूँ. दिस इज सो अमेजिंग, सो ट्रांसलूसेंट क्लियरली. ये काफ़ी अच्छा है, मैंने इसे बहुत यूज़ किया है. तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ. ये रहा इस तरीके से. इसके ऊपर प्लास्टिक कवर था, मैंने उतार दिए हैं. तो ये इस तरीके का है और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है लॉन्गर लव मेकिंग ट्रांसलूसेंट पाउडर. इसका सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स का मिला है. ये 19 में मैन्युफैक्चरर हुआ था और 21 में एक्सपायर करने वाला है. ये इसका प्राइस MRP है 349, बट मुझे ये डिस्काउंट में 200 something में मिला था. तो मैंने इसे परचेज़ किया क्योंकि ये मेरे स्किन टोन के साथ भी जा रहा था. मेरा सेड है इसमें 01, मैंने ये सेड मंगवाया है. तो इसको खोलती हूँ. ये इस टाइप की है, सी काफ़ी अच्छा है. अगर आप मेकअप करते हो और आपको ज़्यादा देर तक मेकअप रखना है तो आप अपने मेकअप बेस को इसके साथ सेट करिए, इसके साथ बेक कीजिए. तो आपका मेकअप ना लॉन्ग लास्ट रहेगा, काफ़ी देर तक स्टे करेगा आपके फेस पे. ये कुछ इस तरीके का है, जो देख रहे हैं. माय गॉड, मेरा तो पूरा पाउडर गिर गया. तो मैं क्या करने वाली हूँ इसके साथ, जैसे मैं आपको इसका एक यूज़ बताती हूँ. आप अपने फेस पे यहाँ और यहाँ तो अप्लाई कर ही सकते हैं, पूरे फेस पे अभी अप्लाई कर सकते हैं. अभी जो मेरा पाउडर नीचे गिरा उसका मैं यूज़ करके बताती हूँ, वेस्ट क्यों करना. ये रहा पाउडर और ये है मेरा लिपस्टिक जो कि थोड़ा ग्लोसी है. इसको मैट बनाते हैं. ओके सी, अब इसको एक ब्रश से लेके देखिए मैट हो गया. थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ. ये मेरा लिपस्टिक मैट हो गया. तो ये ना आप ट्रांसलूसेंट पाउडर को अपने लिपस्टिक को भी स्टे करने के लिए यूज़ कर सकते हो और आप अपने मेकअप बेस को भी सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो. काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल रेंज में मुझे सबसे अच्छा बेस्ट ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा. आप हायर ब्रांड के साथ जाओगे तो आपको थोड़े से रेंज हाई में जाना पड़ेगा, बट मैंने अपने अफोर्ड के अनुसार इसको परचेज किया है और ये काफ़ी अच्छा है. इसमें इंग्रेडिएंट है टैल्क टाइटेनियम पाउडर, राइस स्टार्च, आयरन ऑक्साइड कलर, परफ्यूम. इसमें सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, इसमें राइस स्टार्च है. राइस स्टार्च मतलब कि चावल जो होते हैं राइस, उसके स्टार्च इसमें दिए गए हैं, जो कि राइस स्टार्च फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है. आप नॉर्मली राइस स्टार्च अपने फेस पे यूज़ करो तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है उसका. मैं एज अ होम रेमेडी के तौर पे अपने फेस पे राइस स्टार्च अप्लाई करती हूँ, यूज़ करती हूँ. तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा और ये ना बहुत अच्छा लगा मुझे यूज़ करने में. आप अपने फेस पे इसको यूज़ कर सकते हैं और मैं ये मेरे वीडियो में आप अक्सर आपने यूज़ करते हुए देखा होगा. अभी मेरे ज़्यादा वीडियो में तो नहीं देखा होगा, बट है, मैंने वीडियो में यूज़ किए हैं. बट ये मेरे पास स्टिल लास्ट ईयर से है तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी तक तो चल रहा है.
जब मेरे ख़त्म हो जाएंगे तो मैं सीओडी से इस दोबारा परचेज़ करने वाली हूँ, कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ, ये बहुत अच्छा ट्रांसलूसेंट पाउडर, अगर आप किसी ट्रांसलूसेंट पाउडर की ताक में हैं या फिर आप ढूंढ रहे हैं कि कोई कम दाम में अफोर्डेबल रेंज में अच्छा ट्रांसलूसेंट पाउडर ढूंढ रहे हैं आप लोग, तो ये आपके लिए बेस्ट है। मैं ऐसे ज़्यादा प्रोडक्ट का रिव्यू अभी शेयर नहीं की हूँ आप लोग के साथ, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सोचा क्यों ना मैं आपसे सबके साथ इसका रिव्यू शेयर करूं। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं इसको मैंने किस तरीके से यूज़ किया है। एक यूज़ तो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा यूज़ आप फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद इसको अप्लाई करिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर कोई क्यूरीज है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप करिए, मैं जवाब आपको ज़रूर दूंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।